यहाँ पे क्या है, अगर आपके दो सीओ टू है और जो आपकी ये क्वेश्चन है इसमें कितने सीओ टू है, एक ही सीओ टू है। तो मैंने कहा था कि जो आपकी केमिस्ट्री वाली रिएक्शन थी उसको आप अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को दो से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू के फाइव प्लस टू ओ टू डिविंग टू सीओ टू, और यहाँ पे डेल्टा एच एफ कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, वहां पे कितने पानी की बूंदे हैं, यहाँ पे कितनी है, एक। तो ऐसे क्वेश्चन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे डेल्टा एच एफ नॉट कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर वन मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू मानते हैं। अच्छा, अब आते हैं तीसरा, वहां पे कितने सी प्लेट फाइव ओएच है, यहाँ पे एक है, ठीक है, एक है राइट हैंड साइड पे। लेकिन यहाँ पे जो सी टू एच फाइव ओ एच है वो किस साइड पे है, प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कर, ठीक है, रिवर्स कर दो इस इक्वेशन को, रिवर्स करो तो सी टू एच फाइव ओ एच गिविंग यू सी ग्रेफाइट प्लस थ्री एच टू प्लस हाफ ओ टू, और यहाँ से जो डेल्टा एच एफ नॉट है वो कितना हो गया, माइनस के, ठीक है। पॉइंट क्वेश्चन पे ऐड कर दो, करो कॉपी में, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, और ट्रिक करता पेटी कर दो यहाँ पर, कैंसिल आउट स्टैंडर्ड लाइन में यूज। नहीं मेरी क्लास की बात है, ये आसारा में मांगा था, आप ही वो ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो ऐड करो तो कितना हो जाएगा, टू कार्बन ग्रेफाइट प्लस कितना हो जाएगा, टू टू, इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया। सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का है PH2 plus 3 by 2 O2 plus इसका भी खत्म हो गया, इसका बचा C2H5 OH। राइट हैंड साइड ऐड करते हैं, पहले क्वेश्चन का राइट हैंड साइड क्या है, 2 CO2, सेकंड का राइट हैंड साइड क्या है, तीन पानी के बूंदे, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, एक कार्बन ग्रेफाइट प्लस तीन हाइड्रोजन और आधा ऑक्सीजन, ठीक है। और जो डेल्टा एच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा, वो कितना है यहाँ पे, 2g प्लस Ca माइनस यू, तो दिक्कत है, ये आपको क्या हो गया, डेल्टा एच एफ नॉट आ गया, ठीक है, या डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन आ गया, ठीक है। अब इनमें देखो क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक कार्बन ग्रेफाइट है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप कितने दो कार्बन ग्रेफाइट है, तो पहले तो देख लो C2H5 से राइट हैंड साइड में कोई है नहीं, तो ये तो बचेगा, और देखो क्या बचा है, यहाँ पे भी दो के बच्चे जिसने देखा है, ये दो है ना, ना देखा नहीं किसी ने, देखो C2 था ना, तो यहाँ पे दो कार्बन होंगे ना, देखा क्यों नहीं रहा किसी ने, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ दोनों साइड में क्या हो जाएंगे, देखो भाई दोनों साइड पे कार्बन के साथ कार्बन के साथ क्या हो जाएंगे, ठीक है,
हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, और भी कुछ है साथ में पढ़ लो राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है, इफेक्टिवली कितने बचेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, घटाना तो आता है ना, ऑक्सीजन का भी काम खत्म हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ बचा है नहीं, राइट हैंड साइड पे क्या बचा है, यही बताइए तो देखो क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, और क्या तो हमने पहले मेथड पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया था कि यही आंसर आया था, देखो जो हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था पहली बार में यही आंसर आया था, चलो एक आधे खुद भी करो। लिखो C6H12+ फाइंड आउट द हीट ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट द डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट द डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, for find out the heat of reaction for the following reaction, if find out the heat of reaction for the following reaction, heat of formation, standard heat of formation, if standard heat of formation for CO2, for किसी का नाम यूज करना है for the heat of reaction of CO2 is equal to B, heat of formation, standard heat of formation, the standard heat of formation for water is A, the standard heat of formation for glucose, and the standard heat of formation for glucose is दोनों तरीके से
दोनों मैंने ऐसे करना है ठीक है आपको आपके पास ठीक है Gracias.
यहाँ पे क्या आपके पास कितनी वाटर है आपके पास सिक्स वाटर तो सिक्स टाइम्स डेल्टा एच एफ नोड ऑफ एच टू माइनस अब रिएक्टेंट के साइड आते हैं रिएक्टेंट साइड में कितने आपके पास ग्लूकोज है वन ग्लूकोज है तो वन टाइम्स डेल्टा एच एफ नोड ऑफ ग्लूकोज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे सिक्स है ऑक्सीजन तो सिक्स टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड O2 अब मैंने बता दिया कि रेफरेंस स्टेट में क्या होता है आपका हमेशा जीरो हो जाएगा तो ऑक्सीजन क्या आपका रेफरेंस स्टेट है इसका क्या हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका जीरो हो जाएगा अब यहाँ पे वैल्यू रख दो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया है D वाटर कितना दिया है ग्लूकोज कितना दिया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये आपका बेसिक तरीका है ठीक है बट हम अगर दूसरे तरीके से जाते हैं ठीक है ये नोट कर लिया अब दूसरे तरीके से अगर हम जाते हैं ठीक है दूसरा तरीका हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चल के कुछ आता है हेड स्टॉप ठीक है तो उसमें इसके इसलिए मैं दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली पढ़ा रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड आपसे क्वेश्चन हमेशा जो अभी किया है उसी तरीके से क्वेश्चन होगा इसकी वैल्यू देंगे इसकी वैल्यू नहीं किसी दिन किसी का मूड खराब हो गया तो भले वैसे दे दे जैसे सेकंड कर लिया वरना नहीं दे जाओगे बट जो हेड स्टॉप के क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली वैसे आते हैं आपको कहेगा कि ये रिएक्शन को मिला के इस रिएक्शन का कितना होगा तो आपसे कहा गया पहला आपको ये क्वेश्चन दे देते हैं ये वाला तो C6H12O6 है तो इसका अगर बेसिक हम लिखेंगे तो कितने से बना होगा छह कार्बन ग्रेफाइट से बना होगा है ना कितने कितने हाइड्रोजन लगे होंगे इसमें सिक्स हाइड्रोजन लगे होंगे कितने ऑक्सीजन लगे होंगे इसमें क्या कई ऑक्सीजन लगेंगे और ये कितना हो गया C6H12O6 और इसका डेल्टा एच एफ नॉट कितना है पानी की बात करते हैं तो पानी में क्या है एच टू कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे बताइए आप यहाँ पे कितना रहेगा डेल्टा एच एफ इसका कितना है अच्छा आप ध्यान दो टू आप देखो यहाँ पे कितने CO2 है वहां पे मेन इक्वेशन में सिक्स है और किस साइड में है तो आपके पास CO2 वाली इक्वेशन है उसको देखो यहाँ पे कितने CO2 है किस साइड में है तो आपको केवल अकेल क्या करना है इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करना है सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेल्टा एच एफ नॉट कितना हो जाएगा वाटर वाली इक्वेशन देखते हैं कितने वाटर है वहां पे मेन इक्वेशन में किस साइड पे है तो क्या करना होगा यहाँ पे सिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा करो तो कितना हो जाएगा एच टू प्लस सीओ टू गिविंग यू एच टू यहाँ पे डेल्टा एच एफ नॉट कितना हो जाएगा ठीक है अब पहले इक्वेशन बात करते हैं ठीक है यहाँ पे कितने ग्लूकोज है किस साइड पे है जो आपकी जी क्वेश्चन जो सेकंड वाली उसमें कितने स्टूडेंट कितने ग्लूकोज है तो कुछ मल्टीप्लाई करना है लेकिन साइड कौन सी है यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा रिवर्स कर देते हैं तो कितना बन जाएगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स गिविंग यू कार्बन ग्रेफाइट प्लस सिक्स एच टू प्लस थ्री और यहाँ पे डेल्टा एच एफ नॉट कितना हो जाएगा
अब इन सबको ऐड कर दो क्या, तो देखो क्या मेन इक्वेशन आ रही है, आ रही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर, इज दैट क्लियर, ठीक है। और एक आधा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस एक क्वेश्चन और है, पीछे दिया है कोई अच्छा क्वेश्चन है ऐसा, एक ही क्वेश्चन दिया है इसमें, और वैसा हम कर चुके हैं वैसे, चलो फिर भी कर लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH from the following data, CH3OH methanol from the following data, ठीक है। इसमें भी आपको सेम चीज करना है, बट क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। बट देयर इज नथिंग यू हैव टू चेंज, द होल प्रोसेस इज सेम, बस यहां पे आपके जो आइडेंटिफायर है वो अलग है, करा भी करना तो होगा। आपको जो गिवन है वो है CH3OH 3/2 बोल दो, गिवन यू CO2+2H2O, इसका जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको दिया है, ठीक है। इस बार डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। सेकंड आपको गिवन है अगर यूनिट सारा होती तो मैं दे देता आपको, कर पता नहीं तो क्या क्या, पहले ये पढ़ो इनका फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, पहले तो वो एक क्वेश्चन बनाओगे, अगर CH3OH CH3OH को बनाना है अगर आपको, तो व्हाट वुड यू नीड, एक कार्बन चाहिए होगा, दो हाइड्रोजन चाहिए होंगे, और आधा मॉडल
Thank you.
वन साइड की लाइन मारे से यार ऑक्सीजन का कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है यही पूछा आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हीट ऑफ रिएक्शन की -726 इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बोलो 2 times इसकी कितनी दी है और ये आपको निकालना था कहाँ से तुम्हारा 47 आ रहा है 2 times मल्टीप्लाई होता है उसका लेफ्ट को मिस करके ठीक है पेयर है ना कोई बात नहीं गलती होती रहती है पर मैं बड़ी बात नहीं बट किया ये बाकी सही है ना सही हो जाएगी कोई गलती मेजॉरिटी प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन में आएगी बाकी तो इजी है सब लिखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ गैसियस CO2 गैसियस लिख लो बेटा CO2 गैसियस N2O gaseous
and N2O4 gaseous. N2O gaseous and N2O4 gaseous. हमने लिखा है आपके फाइंड द हीट ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड मतलब ऑब्वियस बात है स्टैंडर्ड अगर मैं ना बोलूं तब भी वो स्टैंडर्ड ही है क्योंकि नॉट लगा के दिया ना मैंने देख लिया फाइंड द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन करो आपके साथ ना बच्चा नहीं है क्या आगे क्या है ना तो क्लस्टर में ही जा रहा है क्या भाई यार कौन कौन क्या क्लस्टर में यहाँ आती है बताओ पहले तुम तो नहीं करते हैं आज के लिए कहाँ पे हो रहा है ये सहारनपुर में बास्केटबॉल वाले गए ऊपर से दो भी जय वाले भी कौन कौन है वैसे गेम में आपके यहाँ पे स्कूल में इस बस लेकर एटीएम कहां पे आके शूटिंग है यहां वाला मॉल सर स्कूल में शूटिंग हो जाए ट्रांसलेट कर देना कैलकुलेटर वगैरह आप यूज करना चाहिए छंडी से कैलकुलेशन के लिए ठीक है जब तक कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहे ऐसे मत चलो तो बेटा उसके हाल से आपके बात उठा रहे हो जैसे मैं लिखा हूँ बगल में आप जब लिखते हैं ऐसे तो मचे ऐसे हैं आप कुछ देर से क्या कर रहे हो इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया समझ नहीं आया व्हाट फॉल्स कॉन्फिडेंस एग्जाम है
तो
बट पॉइंट ये कि तुम नहीं करते थे पहले, अब इनके साथ बैठ के तुम भी करने लग गए, ये क्या है? ठीक है, तो ऐसे नहीं करते ना, नहीं फायदा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अगेन, डेल्टा एच एफ नॉट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है आपका, N2O, डेल्टा एच एफ नॉट, सॉरी हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ N2O प्लस, यहाँ पे कितने N2O है, यहाँ पे एक N2O है, तो वन प्लस, यहाँ पे कितना है, तीन है, तो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2। ठीक है, प्रोडक्ट मैंने पहले कहा था जब प्रोडक्ट लिखा और रिएक्टेंट लिखा उनके बीच में माइनस लगाना है, तो वो ब्रैकेट में लिखना है, जैसे आपने ब्रैकेट नहीं लिखा था तो ब्रैकेट में ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब रिएक्टेंट लिखोगे तो सारा रिएक्टेंट एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे आप, तो यहाँ पे कितना रहेगा, डेल्टा एच एफ नोड ऑफ N2O4 प्लस कितना आएगा यहाँ पे, थ्री टाइम्स डेल्टा एच एफ नोड ऑफ CO। बस वैल्यू रख के सब सॉल्व कर लेना, तो माइनस 777.7 आ रहा है ना, इतना। अच्छा, एक जगह और गलती करा सकते हैं इसमें आपको, ध्यान देना। ठीक है, गलती क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पे तो सब कुछ किलो जूल पर मोल दे दिया आपको, ध्यान देना, मैंने यूनिट की बात नहीं की है, आप कर रहे हैं, तो गलती कराने का एक तरीका ये होता है, सब जगह किलो जूल पर मोल दे दिया, एक में जूल पर मोल दे दिया, पहला तो तरीका ही होता है गलती कराने का। ठीक है, आप क्या होगा, जो कैसे करते जा रहे हैं, वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, आखिर में चौड़े होके निकल रहे हैं, सॉल्व कर दिया, फिर आपका इंटरेस्ट लेगा, तो ये ध्यान देना। ठीक है, यूनिट का बहुत ध्यान देना, तो ये गलती इन क्वेश्चन में केवल और केवल यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है और किसी चीज से नहीं हो सकती, अगर आपको ढंग से कॉन्सेप्ट आता है तो। ठीक है, और कहीं भी गलती नहीं होगी, केवल और केवल गलती कहाँ पे होगी, जूल या किलो जूल या जूल और कैलोरी या किसी और चीज में। ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना, जो आपको इसकी यूनिट दीजिए, क्लियर पॉइंट। ठीक है, अगली यानी हेलो देख लेने का कितना टाइम हुआ, बोलते हुए सर नहीं आते हैं, 7 मिनट लेट आ रहा था। जा ले लो पीटिंग, बिना ब्रेक का 10 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, केवल 40 हो रहा है, 50 पे आ जाना। ओके, कहाँ पे थे हम, अगला डालिए, अभी एडिंग डालिए, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तो फेस चेंज का मतलब क्या होता है, फेस चेंज का मतलब होता है जहां पे फेस चेंज हो रहा है, एस्ट्रो हो लिक्विड से H2O गैस में जा रहा हो, ठीक है, या वाइस वर्सा, या सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो, ठीक है। अब देखो फेज चेंज की खासियत क्या होती है कि जब भी फेज चेंज हो रहा होता है तो उस समय
आपका जो प्रेशर होगा कोई भी फेज चेंज हो रहा है उस समय आपको प्रेशर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फेज चेंज के समय प्रेशर चेंज में ही होता है, ठीक है। ऑल्दो लिक्विड से गैस जा रहा है तो आपको लगेगा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट ड्यूरिंग द फेज चेंज देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एंड ऑल्सो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। बिकॉज देखो जो भी हीट होगी, मान लो आपने 100 डिग्री पे लिक्विड चेंज होता है गैस में वाटर, तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो भी हीट होगी से वो सारी की सारी हीट आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में नहीं यूज होगी, रादर वो क्या होगी आपके फेज चेंज करने में जाएगी, समझ रहे। फेज चेंज का मतलब क्या होता है कि जो आपका लिक्विड है उसके बीच की जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है उसको क्या कर रहे हैं आप वीक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप 100 डिग्री आप मान लो 90 डिग्री पर टेम्परेचर देना आपने शुरू किया तो आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा 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 100 तक पहुंचा, लेकिन अब जो आप हीट देंगे तो 100 से 101 नहीं होगा, पहले क्या होगा 100 पे क्या होगा वो फेज चेंज करेगा। तो जो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे या जो आप फेज चेंज वाले जो टेम्परेचर है उस पे जो आप हीट देते हैं वो एनर्जी है, वो आपका क्या होता है वो एनर्जी आपके फेज चेंज में जो भी तो फेज चेंज के समय टेम्परेचर क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लिख लो ऐसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द फेज चेंज, ड्यूरिंग द फेज चेंज the pressure remains constant तीन तरीके के बेसिकली चेंजेस हैं, तो इसके अंदर सब हेडिंग पहली मतलब पहली सब हेडिंग डालना, सब हेडिंग भी डालनी चाहिए, पहला पॉइंट करके लिखना, द एंथैल्पी चेंज पहला पॉइंट करके लिखना, द एंथैल्पी चेंज इसके अंदर पहला पॉइंट लिखना, द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनीज वेटिंग ऑफ 1 mole ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मेल्टिंग ऑफ 1 mole ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू 1 mole of solid substance in standard state is called क्या बोलोगे इसको पढ़ो बताओ क्या बोलोगे, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो इसको क्या बोलोगे, मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, यू आर नॉट रॉन्ग, ठीक है, मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, ठीक है, बट फ्यूजन इज मोर जनरल टर्म, चलो लिख लो, अच्छा हां एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एग्जांपल ये लिख लो, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 6 kJ/mol होती है जनरली, ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट बट इसके अगर पूछे तो पता होगा कि पर H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जब आप जाते हैं तो आपको जो एनर्जी लेनी पड़ती है 1 mole के लिए कितनी होती है 6 kJ, इज दैट क्लियर। अच्छा ना अब आप कॉमन सेंस से सोचो कि जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है या ऐसा एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, ये जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ये एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, क्यों क्योंकि उसे हीट रिक्वायर्ड होगा, तो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो लिख लो हीट ऑफ फ्यूजन इज एंडोथर्मिक, हां
सेकंड पॉइंट में होते हैं इसी के अंदर लिखना, नोट करके लिख लेना पॉइंट में हम अलग अलग नोट करके लिखना कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, तो इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्लियर है? हाँ नोट करके लिखना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है? सेकंड पॉइंट डालो, सेकंड पॉइंट डालना किसका बज रहा है अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज वन मोल ऑफ लिक्विड इंटू वन मोल ऑफ लिक्विड इंटू गैस अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है समझो, अगर आप लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो अगेन यहाँ पे फेज चेंज होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे आपके कॉन्स्टेंट होंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा और एक जो आपका प्रेशर का वो क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। तो जबरदस्ती अगर स्कूल में मतलब आपको एग्जाम में क्या बोलते हैं टेक्निकल सर्व करना हो तो हर एक डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट क्या लिख सकते, ठीक है? जबरदस्ती ऐड कर देना तो चैनल अंडरस्टूड होता है, तो कई बार लोग नहीं लिखते, but if you want you can actually add so that to sound more erudite you can write it at constant temperature as the rate pressure likha hua hai to likho at kya bola tha maine fir se batana is called standard enthalpy of vaporization, theek hai? Standard enthalpy of vaporization, theek hai? तो यहाँ पे भी क्या होगा अगेन, तो ये देख लेते हैं आप, ये आपके इक्वेशन में लिक्विड से गैस जा रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो 40.79 होती है। अब यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है? अच्छा ये क्या होगा क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे फ्यूजन का, तो फ्यूजन की वैल्यू कितनी थी 6 kJ पर मोल, व्हाई द डिफरेंस, डिफरेंस देख लेना कितना बड़ा है, यहाँ पे 6 kJ पर मोल है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 41 kJ पर मोल है, दो भी जगह पे चेंज हो रहा है एग्जाम्पल है
पॉइंट ये होता है कि जो लिक्विड है उसमें ऑलरेडी क्या हो रहा है कि उसमें आप आगे एंट्रोपी बता दिया था मैंने, तो इसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, सॉलिड की कम होगी, एंट्रोपी क्या होगी, तो यहाँ ज्यादा एंट्रोपी से फर्दर आप ज्यादा एंट्रोपी में, तो यहाँ पे एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या होता है कम एंट्रोपी से ज्यादा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हल्का सा नज देंगे आपको क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो ये चीज होती है। खैर समझ आ रहा है, बात में एंट्रोपी पड़ेगी तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन लिख लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, नहीं नहीं नेक्स्ट पॉइंट, amount of heat required to sublime a substance at constant temperature and pressure is called standard enthalpy of अगर मैं कहीं पे भी स्टैंडर्ड वर्ड करूं तो आपका प्रेशर हमेशा क्या होगा, अच्छा सब्लिमेशन का कोई एग्जांपल दे दो मेरे को, नेफ्थलीन बॉल्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, I2 होता है सब्लाइम, CO2 गैस, यस जो CO2 सॉलिड होता है वो भी सब्लाइम हो जाता है, CO2 गैस ड्राई आइस बोलते हैं इसको, नाम नहीं पता होगा, ठीक है, तो ड्राई आइस आपका क्या होता है, सब्लाइम हो जाता है। तो ये जो एग्जांपल है नेप्थेलिन का फॉर्मूला आपको भी पता है, नहीं क्या लिख सकते, ठीक है, बाकी सब कराइए आप। हेरिंग आलो हेस लॉ पढ़ते हैं पहले, टॉपिक के साथ भी हेस लगाना है हम लोग के बाद नहीं करना चाहिए था ना सर, हेस टॉपिक की बात ही हाँ बढ़ती है वो देखो पहले बहुत ही टेक्निकल से डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर सिंपल से चीज करते हैं ना। देखो इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स then its standard reaction enthalpy is the sum of standard enthalpies of the intermediate reactions into which
into which the overall reaction, into which the overall reaction may be divided at the same temperature. नोट करके लिख लो, ठीक है? कि ऊपर जो लिखा है सब बेकार है. ट्रीट द केमिकल रिएक्शंस एज अलजेब्रिक इक्वेशंस. बस और कुछ नहीं. ट्रीट द केमिकल रिएक्शंस एज अलजेब्रिक आपको वो भी बातें करें आप पढ़े कल लोग थोड़ी बहुत जो हाथ बची है ताकि बीच में ना करवाओ. पक्का हो गई ना सारी? हाँ. बोला बंदा देख रहे हो मतलब ऐसी कर रहे हैं क्या बच्चा नमन के बगल वाले देखो तो बहुत ही सिंपल सा है. अगर आप बात करते हैं यहाँ पे अगर मान लो आपके एक रिएक्शन है ठीक है तो यहाँ पे क्या है आपके पास इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है नॉट वो सपोज कर लो ए है ठीक है तो इस रिएक्शन को सपोज कर लो आप रिवर्स कर देते अगर मैं इसको रिवर्स कर लू टी गिव्स यू आर ठीक है ये पहला पॉइंट है तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका माइनस ये पता कर सकते. अब अगर इस रिएक्शन को मैं दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टू आर गिव्स यू टू टी तो ये डेल्टा एच कितना हो जाएगा ठीक है. अब एक दूसरी रिएक्शन ले लेते सपोज कर लेते एक दूसरा एग्जाम्पल ये पहला एग्जाम्पल होगा एक रिएक्शन है ए गिव्स यू बी एंड सी गिव्स यू डी इसका जो डेल्टा एक्स नॉट है वो है एक्स और इसका जो डेल्टा एक्स नॉट है वो वाई है ठीक है. इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया ए प्लस सी गिव्स यू बी प्लस डी तो डेल्टा एक्स नॉट कितना हो जाएगा दूसरा दूसरे रिएक्शन को रिवर्स किया मैंने ठीक है दैट इज डी गिव्स यू सी तो डेल्टा एक्स नॉट कितना हो गया माइनस वाई. अब वन ऑफ सी को ऐड कर दिया आपको बता रहे हैं ये तीन आपको गिवन है
दिस इज गिवन. आपको बनाना है कि अगर आपको ए से 2D बनाना है तो उसके लिए जो डेल्टा एच है वो क्या होगा. सब नॉट है ठीक है, नॉट में लगाना भूल जाता हूँ तो नॉट लगा देना. आपको ए टू 2D बनाना है तो आपको बताना है कि ये गिवन है आपको, दिस इज गिवन एंड दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, सिंपल से अबाउट जस्ट नहीं This is given that you have to calculate. Next slide one. ऑब्जेक्टिव में था क्या निकालना आपको, इसे टू डी निकालना है आपको. Thank you.
तो देखो इसको करने का तरीका क्या आपको चाहिए क्या ए से 2D चाहिए ठीक है तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है और आपके पास क्या चाहिए आपको 2D चाहिए 2D चाहिए तो यहाँ पे कितने दिए है और केवल इसी इक्वेशन में दिए दो से मल्टीप्लाई करने से ठीक है दूसरा भी तरीका चिंता मत करो सबको जोड़ दो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो बी से बी कट गया टू सी कट गया ए प्लस टू डी आ गया ना तो यहाँ पे कितना आ गया एक्स प्लस वाई प्लस आई डोंट प्रेफर डूइंग इट दिस वे ठीक है मैं ऐसा प्रेफर नहीं करता हूँ कि एक साथ क्योंकि दीज आर सिंपल इक्वेशन सो यू कैन डील विद देम इन अ होल मैनर ठीक है but if they were to be complicated equation you will have to deal equations separately in two equations at a time at max agar badi equations hoti to aap ek sath teen equations ko deal nahi kar sakte the theek hai to hum kya karte hain pehle hum the process karte hain to ek equation jo bhi eliminate theek hai pehle to aapko pehle hamesha concept product mein kya तो इन दोनों इक्वेशन को उठाओ पहले इनमें से आ रहे क्योंकि हमेशा जब भी मटेरियल इक्वेशन में चाहिए होगा उसको मत एलिमिनेट कर देना आपको क्या फाइनल रिएक्शन में भी चाहिए नहीं चाहिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में बी प्लस टू सी तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स प्लस बी से बी करेगा तो क्या है ये ए गिव्स यू डेल्टा एच क्या है एक्स प्लस आखिरी क्वेश्चन क्या है सी गिव्स यू डी उसका डेल्टा जेड ठीक है ना अब ये दो क्वेश्चन आपके पास आ गए ना अब आपको क्या चाहिए प्रोडक्ट में ए और बी चाहिए आपको एलिमिनेट करना है सी करना तो सी एलिमिनेट करने के लिए आपको इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सी गिव्स यू टू डी तो डेल्टा कितना हो जाएगा कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हो लेकिन माइनस अच्छी चीज नहीं है क्योंकि फिर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा आप बेटा समेशन अलजेब्रिक सबट्रैक्ट लेके को ठीक है जैसे इसको प्रोडक्ट माइनस डेल्टा क्या उसमें बचेगा सी प्लस डी
उसमें नीचे के बना था माइनस में इसलिए मैं कहूं कि मतलब माइनस का तो कोई दिक्कत नहीं है माइनस का अच्छा ही अगर देखते ये क्वेश्चन है मान लो a प्लस b गिविंग c प्लस d इस इक्वेशन में वेरी इजीली ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस b इज इक्वल टू c माइनस d दे बोथ आर सेम इक्वेशन ठीक है बट ये क्योंकि कन्वेंशनली हम इसको लेके फैमिलियर नहीं होते तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टू अवॉइड डूइंग अ माइनस साइन ठीक है माइनस करना कोई गलती बात नहीं है हमने कहा जब मैंने कहा अलजेब्रिक इक्वेशन के तरह ट्रीट कर सकते हो यू कैन डू एवरीथिंग दैट अलजेब्रिक इक्वेशन कैन डू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अब हम कुछ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज पढ़ेंगे ठीक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ठीक है तो कंबशन का मतलब क्या होता है आग लगाना ठीक है तो सिंपल सी चीज है तो बेसिकली जो आपकी इक्वेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो अब तक सुन लो भाई अब तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं एक मोल के लिए बात कर रहे हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन में बात कर रहे हैं इतना तो अभी तक दो तीन डेफिनेशन जो पढ़े उसमें क्लियर हो गया होगा कि हर एक डेफिनेशन में दो चीज तो आती है एक स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज एक बार और जो भी टेम्परेचर है और दूसरी चीज क्या आती है आपकी एक मोल ठीक है तो सिंपल सी चीज है अगर किसी चीज की एक मोल में आप आग लगाओगे तो उससे जितनी एनर्जी आपको मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन एक मोल लकड़ी लेके जला दो एक मोल आदमी जला दो और कुछ भी है वो बात लगे दिल जलाने से नहीं निकलती एनर्जी बट फिर भी तो उसको भी जला सकते हो आपकी मर्जी जैसे भी जो भी चीज जलानी है पॉइंट ये है कि आपको किसी भी चीज को जलाओगे अच्छा अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपकी हीट ऑफ कम्बशन है वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी कितने लोग कह रहे हैं एंडोथर्मिक होगी हीट ऑफ कम्बशन मतलब ऐसे टेढ़े होके क्यों बैठे हो मतलब पीछे कोई मैग्नेटिक पुल है क्या मतलब खींचे ही आ रहा है तुम्हें नहीं मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो एक्सो जो आपका हीट ऑफ कंबशन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है सर एक्सोथर्मिक है देखते हैं बेटा पूछते हैं क्या नाम किसने बोला है सर आशुतोष ओके आशुतोष कह रहे हैं एक्सोथर्मिक है तो कितने लोग एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं हाथ उठाइए पहले एक्सो वाले पूछ लेते हैं एक दो तीन क्या बेटा एक हाथ उठा नहीं पा रहे हो आपसे नहीं कह रहे इनसे ऐसे एकदम मतलब सपोर्ट देके ऐसे उठा रहे हो एक दो तीन हाथ उठाओ ढंग से उठाओ काउंट तो कर सके एक दो तीन चार पांच है आपका उठा है ना सात लोग कह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक है कितने लोग कह रहे हैं एंडोथर्मिक है बस अकेले ही आप बाकी दो हैं बाकी क्या कह रहे हैं तो क्या मतलब मोह माया है क्या एंडो क्या एक्सो हीट नाम की कोई चीज नहीं होती है ये सब तो मैनिफेस्टेशन है माया का तो बड़ी बड़ी बातें सोच रहे होगी ना कि एनर्जी जो है वो क्या है एनर्जी मतलब एक क्या बोलते हैं इल्यूजन है सब कुछ मास ही मास है दुनिया के शुरू में केवल मास था मास कुछ तो बोल दो एक्सो एंडो न्यूट्रलिटी कुछ तो मतलब उठा लो इसी कॉमन सेंस है दुनिया में कभी आग नहीं था क्या करना था एनर्जी तो आग जब लकड़ी जलाते तो एनर्जी निकलती है एनर्जी लेकिन क्या होगा निकल रही है तो ओवरऑल नेट क्या
एक्सो ये एंडो वाले कौन थे क्या जलाते हो पुराने क्या बोलते हैं ऐसे पुराने डायलॉग में दिल चलता है इसलिए एनर्जी कंज्यूम होती है उसमें ओके चलिए लिखिए डेफिनेशन लिख लो बहुत सिंपल सा है एनर्जी मतलब एंथैल्पी वर्ड यूज करें ना हमेशा से एंथैल्पी लिखो एंथैल्पी चेंज या रिलीज जो भी मानो लिखना एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस पर मोल ऑफ सब्सटेंस ठीक है और अगर स्टैंडर्ड स्टेट होगा तो उसी एंथैल्पी को हम क्या बोल देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्लियर पॉइंट तो जो को आग लगाने में जो एनर्जी मिलती है उसे क्या कहते हैं कंबशन हीट ऑफ कंबशन पॉइंट से नीचे लिख देना हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज क्या है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक यहाँ पे हमने जब इसमें ऑक्सीजन डाली थी तो आपको क्या बताया था ऑक्सीजन से जिसकी रिएक्शन हुई तो आपको क्या मिला CO2 और H2O तो ये रिएक्शन जो है आपकी कंबस्टन रिएक्शन है इससे एनर्जी जो निकलती है आपको वैल्यू नहीं याद रखनी है ठीक है रिमेम्बर द वैल्यू इतनी एनर्जी मिलती है ट्राई करना विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन ठीक है नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा इनका कंबशन से प्रॉब्लम नंबर 6.9 है ठीक है पेज नंबर 176 पे इसके सामने सो यू हैव टू ट्राई दैट विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन ठीक है डोंट लुक एट द सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ठीक है 176 है बट तो सब की क्लास में अगली एडिंग डालो हीट ऑफ एटमाइजेशन
तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या क्या सजेस्ट कर रहा है नाम आपको? देखो एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, उसको उसके बेसिक एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल CO2 है, CO2 के कौन-कौन से एटम है? कार्बन है और ऑक्सीजन। एटम की बात कर रहे हैं हम, एटमाइजेशन है। तो बेसिक एक मोल CO2 के उसके बेसिक एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ एटमाइजेशन। लिख लो। एनर्जी रिक्वायर्ड और एंथैल्पी चेंज, सॉरी एंथैल्पी चेंज एक्चुअली आपको एंथैल्पी लिखा रहे हैं, मैं जनरली एनर्जी बट सेम चीज होती है। तो एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इनटू गैसियस एटम्स। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा यहाँ पर तो एग्जांपल आपने कर सकते हैं, एग्जांपल समझने के लिए आपको तीन कैटेगरी बनानी होगी। देखो पहला एग्जांपल है, तीन एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट होंगे क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाती है कई बार। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा एक्स नॉट एटमाइजेशन। ठीक है, अच्छा अभी आप आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि ये जो एटमाइजेशन है इस पर्टिकुलर केस में यही आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। क्योंकि आप अगर आपको N2 मॉलिक्यूल को नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है एटमाइजेशन की यही इसेंशियली क्या है? आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 भी है। बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, आगे इसका करना पड़ेगा। इतना लिख लो पहले, पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल CH4 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो C है, H है, H है, H है, H है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको भी अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन गैसियस प्लस फोर हाइड्रोजन गैसियस। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं? जो आपका हीट ऑफ एटमाइजेशन वो एसेंशियली क्या है? आपका बॉन्ड का ब्रेकिंग ही हो रहा है। कैन यू सी दैट? अब तीसरा एग्जांपल जो थोड़ा सा अलग है, हीट ऑफ एटमाइजेशन में ये भी कॉन्सेप्ट होता है। किसी फॉर एग्जांपल आपने कोई मेटल ले लिया और मेटल को उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि सोडियम मेटल ले लिया या आयरन मेटल ले लिया, जो भी आपके लिए अच्छा मेटल लग रहा है। ठीक है, तो सोडियम तो जनरली सॉलिड होगा, वो तो गैस होगा नहीं, तो इसके सोडियम की सॉलिड को सोडियम की गैस में कन्वर्ट करने की। ठीक है, यहाँ पे भी जो होगा उसको क्या बोलोगे? एटमाइजेशन। ना अब some of you may ask कि हम तो यहाँ पे इसको वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं, सॉलिड को गैसेस में ले जाए तो, या सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं? एटमाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? थिंक अबाउट इट, बताओ। बिल्कुल सही है। देखो ये जो आपका एटमाइजेशन है ये आपका हीट ऑफ सब्लिमेशन के ही बराबर होगा। पॉइंट हमारा ये है कि जो एटमाइजेशन है इसको हम जब आप शुरू में सोडियम लेंगे तो सोडियम आपका क्या होगा? एक चैनल होगा, एक कोई प्रॉपर चैनल होगा। जब उसको गैस में कन्वर्ट करोगे तो वो सेपरेट, मतलब गैसेस स्टेट में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोई इंडिविजुअल एटम सी आई में वो आ रहा है, तो इसी चीज को आप वेपराइजेशन, सॉरी
बस एक मेन चीज ध्यान देनी आपको, यहाँ पे सब क्या होने चाहिए, गैसियस होने चाहिए। ठीक है, ऐसा मत लेना कि सी एच फोर मान लो सॉलिड है तो वो सॉलिड में ही आपको मिलेगा, आपको क्या करना कि गैसियस, क्योंकि एटम्स जो आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी एटम्स की पता चलती है वो गैसियस स्टेट में पता चलती है। गैसियस स्टेट में क्या होता है कि वो अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो वहां पे उनकी आइडेंटिटी पता चलती है। एग्जाम्पल लेके आना, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी लिखो, एंथैल्पी चेंज for breaking of one mole of bond is called bond dissociation energy, is called bond dissociation energy। अगला लिखो, इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी एंथैल्पी चेंज, नहीं रुको क्या लिखा मैंने अभी पहले इसको, डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी। ठीक है, ये जो होगा अभी जो पहले इक्वेशन है कि इसके अकॉर्डिंग से, क्योंकि आप बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाह रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक, तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी, लिखो दिस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है, लिख लिया ना, ठीक अब समझ लीजिए। ठीक है, और तो पहले भी बता चुके हैं और फिर से एक बार समझ लो, आपने क्या होगा जिसके बारे में हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैसेस ले लिया, इसमें क्या प्लीज बातें मत करो बेटा, हाइड्रोजन गैसेस के आपने जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 2H हो गया और एनर्जी क्या होगी आपको रिक्वायर्ड पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अगर उल्टा करते हैं, सपोज करो हम हाइड्रोजन एटम लेके हाइड्रोजन को फॉर्म कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन एटम लेके हाइड्रोजन को फॉर्म कर रहे होते हैं, तो इस केस में आपको एनर्जी क्या होती है, मिलती है। तो यहाँ पे एनर्जी आपको क्या मिलती, तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ये हमेशा आगे भी यूज होगा कई बार आते हैं, कि जब भी फॉर्म बॉन्ड जनरली बॉन्ड नॉट ऑलवेज, एट लीस्ट सिंपल एक्शन में तो ऐसे ही है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं एनर्जी क्या होती है, वहां पे ठीक है, लिख लेना और ये स्टेटमेंट भी लिख लेना कि जब भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी क्या होती है आपकी, तोड़ रहे ना चीज, जब आप मैं बोल देना स्टेटमेंट लिखे ही हेडिंग से मैं बोल देता हूँ, देखो क्या निकलेगी ना, अभी लिखा देखो मैं, लिखो व्हेन द बॉन्ड आर व्हेन द बॉन्ड इज ब्रोकन, व्हेन द बॉन्ड इज ब्रोकन एनर्जी इज कंज्यूम, एंड व्हेन द बॉन्ड्स आर फॉर्म एनर्जी इज रिलीज। क्लियर, अब देखो यहाँ पे
अब एक बेसिक सी एक्सरसाइज है, आप करके लाना, ठीक है? आपको क्या करना है, जैसे कि सिर्फ एग्जांपल अपन पानी की बात करते हैं, ठीक है? पानी की बात करते हैं, तो जब पानी को आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑक्सीजन प्लस टू, ठीक है? इसका जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगा, इस बात मत करो, ठीक है? इसका जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, आपने ये बॉन्ड तोड़ा है बस, तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ ओ एच बॉन्ड। कितने बॉन्ड तोड़े थे आपने, समझ में आ रहा है? इसका जो रिएक्शन होगा वो एनर्जी क्या होगी, आपने क्योंकि तोड़ने में एनर्जी आपको क्या होती है, देनी पड़ती है, तो जितना आपने तोड़ा है उतनी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। कितने बॉन्ड तोड़े हैं आपने यहाँ पे, तो दो ओ एच बॉन्ड की जो एनर्जी होगी, समझ तो पहले लिख लेना बाद में। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, ठीक है? अमोनिया को अगर हम तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन प्लस सीएल। इसका जो रिएक्शन हुआ डेल्टा एच रिएक्शन हुआ वो क्या होगा, अभी तक हम जो डेल्टा एच रिएक्शन निकाले थे वो क्या था, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे अलग हो रहा है, ये अलग है, बहुत क्लियरली दिमाग रखा है, यही डिफरेंस था। मैंने आपसे कहा था कि केवल एक केस ऐसा होता है जहाँ पे चीजें उल्टी हो जाती है, वहां पे क्या होता है, पहले क्या आता था प्रोडक्ट, बाद में क्या आता था रिएक्टेंट। यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख रहे हैं कि पहले रिएक्टेंट लिख रहा है, जितना आप तोड़ रहे हो उतना ही एनर्जी क्या देनी पड़ेगी। यहाँ पे अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया में कितने बॉन्ड तोड़े आपने, तीन एनएच बॉन्ड तोड़े, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल क्या लिख रहे हैं, वो चीज तोड़ रहे हो तो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करोगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आप सिंपल क्या करोगे, जो तोड़ रहे हो उसमें जितनी एनर्जी होगी उसे आप क्या कर दोगे। अगर आपसे कोई कहे कि सी फॉर एग्जांपल इसका लिखो, इसका लिखो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में लिख देता हूं यहां कितने हो जाएंगे, कार्बन प्लस चार हाइड्रोजन प्लस डेल्टा एच इक्वल्स रिएक्शन का H3OH का हर एक अलग अलग होती ना बॉन्ड एनर्जी, पहला वाला लिख लिया, पहला वाला देख लो करना है। हर एक बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आइटम की डिफरेंट होती है, तो बाहर का टेंपरेचर दोनों के दोनों तरीके के बॉन्ड है, वहां से कितने टाइप के बॉन्ड है, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है ना, चार हाइड्रोजन है ना, कितने लोग हो गया, हाँ बताइए, डेल्टा एच नॉट बताइए क्या बोले, सीओ सीओ देखो कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं बताइए आप, तो बताइए, मैंने ऐसा थोड़ा कुछ बोल दिया, मैं तो सब कुछ ब्रेक कर दिया, बताइए। हाँ देखो बस ठीक है, और आगे बढ़ते रहो, देखो कॉमन सेंस की बात है भाई, सारे बॉन्ड टूट रहे हैं ना, और हर एक बॉन्ड जो आपके डिफरेंट तरीके से, वो सबकी एनर्जी होगी ना,
देखो ये एक OH बॉन्ड टूट रहा है, एक OH टूट रहा है, एक CO बॉन्ड टूट रहा है। आपने इन दोनों को आपने एक आइडेंटिफाई किया तो दूसरा ने किया डेल्टा एच नॉट OH। और देखो तीन आइडेंटिकल CH टूट रहे हैं, सबका सब एटम में कन्वर्ट हो गया ना, तीन आइडेंटिकल CH टूट रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट ऑफ एयर पॉइंट। ठीक है, एक आधे होमवर्क के लिए दे दे, लिखने के लिए लिखो। ढंग से पढ़ाने में ढंग से नंबर नंबर ले आना, अच्छा लग जाएगा। C2H4 को कर लेंगे, इसका निकालना है आपको। मैं आपको ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि देंगे आपको, ठीक है। और बताइए और कौन सा चाहिए आपको, कोई अच्छा कंपाउंड आपको लगता हो जिसको तोड़ना हो आपको। और कौन सा और कोई अच्छा लग रहा है आपको, क्या सल्फ्यूरिक ले लेंगे अच्छा इसे देखा, C डबल बॉन्ड हो और C सिंगल बॉन्ड हो, और एनीथिंग डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी एस डबल बॉन्ड हो एस सिंगल बॉन्ड हो, दे आर डिफरेंट बॉन्ड। ऐसा बन कर देना यहाँ पे फोर एसओ लिख दिया, दे आर डिफरेंट बॉन्ड, क्लियर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे आर डिफरेंट बॉन्ड ना। संडे को टेस्ट है आपका,